किसान बचाओ हिमाचल बचाओ के कार्यकर्ता द्वारा हिमाचल अधिकारों को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त मंडी अश्विनी कुमार के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। अभियान संयोजक देशराज शर्मा ने कहा कि हिमाचल अधिकार आंदोलन के तहत 2 अक्टूबर को ऐतिहासिक सेरी मंच में आमरण अनशन का आगाज किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों में 50% हिस्सेदारी, निःशुल्क बिजली पानी सीवरेज ट्रांसपोर्टेशन इलाज व पढ़ाई से सामाजिक सुरक्षा तथा किसानों की कर्ज माफी आदि हिमाचल अधिकारों को लेकर 2 अक्टूबर से मंडी के ऐतिहासिक सेरी चाननी में आमरण अनशन करेंगे। इस दौरान प्रदेश भर में हिमाचल अधिकार यात्रा करके हिमाचल की लूट के खिलाफ नए हिमाचल की बुनियाद को लेकर 22 सितंबर को विश्वकर्मा हॉल में होने वाले जनरल हाउस में जन संसद में पारित प्रस्तावों व सर्वेक्षण अनुसार स्वच्छ राजनीतिक विकल्प को लेकर नया राजनीतिक दल खड़ा किया जाएगा। देशराज शर्मा ने कहा कि आज किसानों को खेती लागत भी नहीं मिलती है, जबकि विधायक व मंत्रियों ने स्वयं के वेतन भत्ते इतने किसान की आय के 1200 गुना अब यात्रा भत्ता प्रतिदिन 7500 रुपए तय कर लिया है। हिमाचल अधिकार आंदोलन के तहत लगातार पिछले 5-6 वर्षों से हम लोग हिमाचल प्रदेश के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों में कम से कम 50% हिस्सेदारी, रोजगार और निःशुल्क बिजली पानी सीवरेज ट्रांसपोर्टेशन इलाज और पढ़ाई से सामाजिक सुरक्षा और इसके साथ साथ वन्य प्राणी आतंक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर के किसानों को फसलों की लागत पर कम से कम 50% मुनाफा, किसानों की कर्ज माफी और भूमि अधिग्रहण पर कम से कम 10 गुना मुआवजा और जो हिमाचल के जो अधिकार है उनको लेकर के ना तो राज्य सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम एक बार फिर 2 अक्टूबर 2017 से सेरी चांदनी के ऐतिहासिक मंच से हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो कोई ना कोई पहल करे। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को के ऊपर दबाव बनाने के लिए हम लोग 22 सितंबर 2017 से अपने जनरल हाउस में एक हिमाचल प्रदेश में एक राजनीतिक दल खड़ा करेंगे और जिससे कि इन दोनों पार्टियों के ऊपर दबाव बने और हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक स्वच्छ राजनीतिक विकल्प हासिल हो। तो इन मुद्दों के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार आचार संहिता से पहले कोई पहल करे, नहीं तो 2 अक्टूबर का जो हमारा आर पार का जो निर्णायक अनशन होगा उससे हम हिमाचल प्रदेश सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे।